बाइक में जाना उनको पॉसिबल नहीं था, तो हमने एम्बुलेंस का वेट किया और फिर एम्बुलेंस से हमने उनको यहाँ से पेड़ा, हमने चारों तरफ एरिया और घेरा। दो जो विपन जो हमारे लुटे थे उसको रिकवर करने में हम जो है सफल हुए। दो नक्सलियों को भी गोली लगी है, निश्चित रूप से वो आसपास होंगे, उनको हम रिकवर करेंगे। मैं समझ रहा हूँ आप भावुक हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इस इलाके में काम करना किसी के लिए भी वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। ANI, PTI, दूरदर्शन, आज तक, इंडिया टुडे, 6 टीमें इस गाँव को देख चुकी हैं। गाँव के लोगों ने जो भी टीमें आई उससे आधा घंटा एक घंटा दिल खोल के बात की है। उन्होंने बताया है कि 30 साल के बाद वो कैसे पहली बार मतदान करेंगे। उन्होंने बताया है कि ये रोड उनके लिए कैसे लाइफ लाइन है। उन्होंने नक्सलियों से लगातार 10 दिन मार खाने के बाद भी उन्होंने इस रोड को नहीं काटा। उन्होंने मुझे आके बोला कि सर हम मर जाएंगे लेकिन रोड बना के रहेंगे। जब गाँव वाले नक्सलियों की नहीं सुन रहे थे तो काफ़ी 5-6 एरिया के नक्सली मिल के उन्होंने CRPF को टारगेट करने का फैसला लिया और मीडिया, क्योंकि उन्होंने बार बार बोल रहे थे कि मीडिया वाले आ रहे हैं, इसको टूरिज्म बना दिया है मीडिया वालों ने, वो हमारी जो हम जो अत्याचार कर रहे हैं गांव में मारपीट कर रहे हैं उसको बाहर लेके जा रहे हैं। कल जो महिला को जो स्पाइक लग गया था, 4 दिन तक पैर उसका फूल के गुब्बारा बन गया था, उसको ट्रीटमेंट करने नहीं दे रहे थे, पुलिस फोर्स यहाँ से उसको लेके गई। ये चीज़ें खबरें जब बाहर आ रही थी तो तंतरा गए थे। आज जब फायरिंग शुरू हुई तो उन्होंने पुलिस को नहीं केवल मीडिया कर्मियों को टारगेट बनाया, पहले एक पॉइंट पर आके उन्होंने मारा और उसका कैमरा ले लिया और फिर बाकी जो 2 मीडिया पर्सन थे उसको 150 मीटर रेंगते हुए उन्होंने भागे। उनके ऊपर करीब 50 से 100 राउंड फायर किया गया और मेरा जो असिस्टेंट कांस्टेबल ने आके एक नक्सली को धक्का नहीं दिया होता तो दोनों मीडिया कर्मी और मारे जाते।